जी अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों को, दोस्तों को, जितने भी देखने वाले हैं इस चैनल में। बायनोकुलर्स की दुनिया में तलाश में हैं मुख्तलिफ दूरबीनों के और बायनोकुलर्स के। तो जिस तरह के आपको मालूम है, ये सीरीज़ चल रही है हमारे जापनीज़ बायनोकुलर्स की, रशियन बायनोकुलर्स की या जर्मन बायनोकुलर्स की। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे, और जूम टेस्ट तो हमने किया हुआ है और इसका हम रिव्यू करते हैं एक बायनोकुलर का जिसका नाम है फोकल। ठीक है जी, जापान की है। आप देखें जी, ये मेड बाय कमुरा कुकी कंपनी लिमिटेड है, सही है। और फोकल इसका ब्रांड है, इसको हम रिव्यू करते हैं ज़रा। इसका जो जूम है ना जी, आपको पता लग रहा है ये 10x50 है, 10x50। ठीक है, वाइड एंगल है, सबसे बड़ी बात वाइड एंगल। और इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो 7 है, फील्ड ऑफ व्यू इज़ अ 7। और अच्छी खूबसूरत है ये देखें, एक ग्रे है लेकिन डार्क ग्रे है। ठीक हो गया, इसका ये आपको सामने है ऑब्जेक्ट लेंस, जिस तरह हर बायनोकुलर में होता है ऑब्जेक्ट लेंस। आउटर ये शेप जो है ये प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, इट इज़ अ ऑब्जेक्ट लेंस। और इसकी जो मिलीमीटर में लड़ाई है वो लंबाई है, वो जैसे आपके पता है 50 है, 50 मिलीमीटर। ठीक है, और 10 इसका जूम है, मतलब आप 10 गुना तक 10 गुना तक किसी भी चीज़ को जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रांड बड़ा ज़बरदस्त है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि जूमिंग के साथ साथ इसकी जो बॉडी है ना वो बड़ा खूबसूरत है, आप देखें अच्छी बॉडी है। अच्छा, ये है इसका एडजस्टमेंट, जिस तरह हर बायनोकुलर में होता है। ये देखें, जहाँ आपकी नज़र सेट हो आप उसको एडजस्ट करें। और ये प्लस माइनस आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। ठीक है, जहाँ तक आप प्लस तक जाएं, अगर आपकी नज़र में कोई मसला है या माइनस में जाएं, ठीक है, तो ये आप उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये फोकल है, मेड बाय जापान है। और सबसे बड़ी अच्छी बात, मेटल बॉडी है, नॉट हार्ड प्लास्टिक, मेटल बॉडी। और ख़ूबसूरत बॉडी है, और मुझे तो इसलिए अच्छी लगी कि बाज़ अच्छी बायनोकुलर जो होती हैं या तो ब्लैक में आती हैं, या आपको पता है कि ये ग्रे में आती हैं, लेकिन ये ग्रे है लेकिन डार्क ग्रे है या ब्राउन है। ठीक है, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग नंबर है, ये देखें आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ठीक है गया, और ये देखें जी, लिखा है जापान, आपको अगर नज़र आ रहा है यहाँ, तो ये इसको उस जापान या अगर जूम करके देखें तो ये जापान लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो अच्छी शेप है, मुझे इस वजह से अच्छी लगी कि खूबसूरत में शुमार हो रही है। एक जूमिंग तो है ही अच्छी इसकी, लेकिन है भी खूबसूरत। और बायनोकुलर ख़रीदने के लिए आपको ये चाहिए कि आप देख लें कि इसमें स्क्रैच नहीं हो, स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट लेंस हो चाहे वो आई पीस हो, स्क्रैचलेस होना चाहिए। स्क्रैचलेस होगा, जिसमें स्क्रैच नहीं होंगे, धब्बे नहीं होंगे, लकीरें नहीं होंगी, तो आपकी बायनोकुलर अच्छा जूम करेगी। ठीक है जी, तो बेहतरीन बायनोकुलर है जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।